10.6 प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमने अपवर्तन की घटना का अध्ययन कांच की स्लैब, पानी तथा अन्य माध्यमों में किया है। इन सभी क्रियाकलापों में माध्यम की दोनों अपवर्तक सतहें एक दूसरे के समानांतर थीं। क्या होगा यदि दो अपवर्तक सतहें एक दूसरे से कोण बनाएं? आइए यहां हम कुछ कोण पर झुकी हुई दो अपवर्तक सतहों में प्रकाश किरण की अपवर्तन घटना का अध्ययन करेंगे। चित्र के अनुसार आपतित किरण PQ किसी प्रिज्म के पृष्ठ AB पर I आपतन कोण पर आपतित होती है तथा इस पृष्ठ से QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यह किरण पृष्ठ AC के लिए आपतित किरण होती है, जो पृष्ठ AC से अपवर्तित होकर RS दिशा में निर्गत हो जाती है। इस प्रकार यदि आपतित किरण PQ को आगे और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो वे O बिंदु पर मिल जाती हैं। प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन अथवा विचलन हो जाता है, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं।